वेलकम टू शेफ शीरू, स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज हम बैगन का भरता बनाएंगे, जिसकी ओरिजिन हिंदुस्तान के पंजाब रीजन में हुई थी ऐसा माना जाता है। हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और कई सारे देशों में ये बहुत ही पसंद किए जाने वाला डिश है। बैगन को भूनिए, टमाटर भून लेंगे। वैसे भुना हुआ तो चूल्हे में का अच्छा लगता है, लेकिन चूल्हा नहीं है तो गैस पे भी हम भून सकते हैं। हाँ वही मिट्टी वाला गांव में जो चूल्हे होते हैं उसकी बात कर रहा था मैं, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है। सो गैस में भून के इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। ट्रेडिशनली पंजाबी डिश है, सरसों के तेल में बनाई जाएगी। सरसों के तेल में हम जीरा, राई, हींग और प्याज, हरे कटे मिर्च साथ में डाल के फ्राई करेंगे इसे। मैश किए हुए बैंगन और टमाटर पे जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स करेंगे, इससे फ्लेवर डेवलप होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद कई जगहों पे बैंगन के भरते में मटर भी डाले जाते हैं। यकीन मानिए इससे इसका स्वाद एकदम उम्दा आता है। ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा वेज को कस्टमाइज़ किया गया है, बट ट्राई करिए, बेशक बहुत बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा, गारंटी के साथ ये मैं कहता हूँ। प्याज हमारे इतने भून चुके हैं, अब इसमें हम मैश किया हुआ बैगन, टमाटर और मटर के पेस्ट को डाल देंगे। नमक, थोड़ी सी शक्कर स्वाद अनुसार, अगर आपको नहीं पसंद तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। काला नमक, वाइट पेपर, किचन किंग सब्जी या मीट मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सब एक एक टेबलस्पून लेना है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है। धनिया पाउडर, चटपटेपन के लिए हम इसमें चाट मसाला या अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब बस पूरा खेल भुनने का और अच्छे से मैश करने का है, क्योंकि इसका नाम ही मैश्ड एगप्लांट है, भरता बैगन का। अच्छे से मैश करिए, तेल छोड़ने तक इसको पकाना है। थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करेंगे, आमतौर पे पानी ऐड किया नहीं जाता है, बट ये मैंने ट्राई किया और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आया। पानी डाल के उड़ा भी देंगे पूरा, लास्ट में तो हमें बेहतरीन भरता मिलेगा ही। देखिए तेल छूटने लगा है, 10-10 मिनट के इंटरवल में 3 बार हमको इसे ढक के पकाना है। आँच धीमी कर दें और पकने दें। ये देखिए तेल छूटने लगा और पानी ऑलमोस्ट उड़ने सा लगा है, लास्ट में हमारे पास पानी बचेगा ही नहीं। देखिए बेहतरीन टेक्सचर, अच्छे से इसको खूत लेना है, पूरा मैश कर डालना है पूरे बैगन और टमाटर को, तभी अच्छा स्वाद और जायका लाजवाब मिलेगा आपको। करके वापस ढक दीजिए इसे और पकने दीजिए धीमी आँच में। मटर चूंकि गलाना है, पकाना है अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ढक्कन लगा के हम पकाते हैं।